हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस थ्री वाई प्लस के स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फॉर सम के बिलोंग्स टू आर, देन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी। यार चार ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन बताना है कौन सा थ्रेड कौन सा होता है, ये वैल्यू हमें बतानी है एक्स प्लस वाई अपॉन जेड की क्या होगी। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास है नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो सिस्टम हमारा होमोजीनियस है। नॉन जीरो सॉल्यूशन इट मींस जो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे यहाँ पर उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होता है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कौन सा वो फैक्ट एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन क्या है, 1 1 3, 1 1 3। सेकंड इक्वेशन में 1 3 के स्क्वायर, 1 3 के स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में 3 1 3, 3 1 3, ये डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज होल करते हैं इसमें आर वन के द्वारा एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 3 से क्या 9 माइनस k स्क्वायर, 9 माइनस k स्क्वायर, तो माइनस का 1 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 3 k स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू में आ जाएगा हमारा 1 माइनस का 9 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 9 माइनस k स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 k स्क्वायर, और ये हमारा -8 आएगा और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 2 k स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 और -24 प्लस 6, तो माइनस का हमारा आ जाएगा 18 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज के स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9, तो हमें के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस का, तो के की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस माइनस का। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। तो अगर हम क्या करते हैं, नाउ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस वी जेड इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस के स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी 3x + y और प्लस का 3z = 0, और के स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, तो के स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, के स्क्वायर हमारा कितना है 9, तो यहाँ पर हम 9 को पुट कर डायरेक्टली इसको ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 3 1, माइनस का 2 y आ जाएगा, -2y z और -9z, तो माइनस का आ जाएगा हमारा z इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू -6z, तो y अपॉन z की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, वो भी माइनस y अपॉन z तो मिल गया -3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 3, ठीक है, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 3x, तो माइनस का 2x आएगा, y से y कैंसिल आउट, 3z से 3z कैंसिल आउट, तो माइनस का x माइनस का 2x से इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, x की वैल्यू 0, y अपॉन z की वैल्यू -3, तो हेंस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 0 माइनस 3, दैट इज -3, तो आंसर हमारा क्या आया, -3। ऑप्शन के लिए मैच कौन सा कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।